हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो मैं अजय आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक और जॉब अपडेट, जो कुछ ही दिन पहले डेट इशू हुई HP हाई कोर्ट। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी पोस्टें निकली है, तकरीबन चार पांच। तो उसमें से बारी बारी से हर पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या पैटर्न रहने वाला है, कितने नंबर का पेपर आता है, क्या टाइमिंग रहेगी और आपको सिलेबस क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले है, पहले हम बात करेंगे प्रोटोकॉल ऑप्शन की। ठीक है, पहले बात करेंगे हम प्रोटोकॉल ऑफिसर की। तो इसमें क्या रहेगा, प्रोटोकॉल ऑफिस में आपको सबसे पहले होगा आपका स्क्रीन टेस्ट। ठीक है, स्क्रीन टेस्ट जो किस टाइप में होता है, स्क्रीन टेस्ट होगा आपके OMR शीट में। ठीक है, जिसमें आपका MCQ आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आपका पेपर रहेगा 100 नंबर का, टाइमिंग रहेगी 2 घंटे। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, किस बेस पे आपकी तैयारी रहेगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में है जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में आपके 70 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, 70 नंबर का आएगा नंबर सॉरी 70 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो जिसमें आपको इंटरनेशनल, नेशनल, हिमाचल प्रदेश का GK पढ़ना पड़ेगा। इंटरनेशनल क्वेश्चन आने वाले हैं 15, नेशनल के जो भारत लेवल पे हुआ उसमें 25 क्वेश्चन, और हिमाचल प्रदेश जो स्टेट लेवल का होगा उसमें आपके आएंगे 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको जनरल नॉलेज के लिए पढ़नी पड़ेगी। तो टोटल मार्क्स रहेगा इसमें 70। ठीक है, 70 नंबर का ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसमें आपको क्वेश्चन आने वाला है 10 नंबर का। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है रीजनिंग। ठीक है, जिसमें आपको रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे दिशा के बारे में, टाइमिंग के बारे में, ऐसे बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चन है, मैनी टाइप्स में होते हैं। उसमें आपको 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है नोट 1। तो जो आपका GK किससे रिलेटेड रहेगा, जैसे जनरल नॉलेज होता ही है वैसे, जैसे ज्योग्राफी, कल्चर, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस और हिस्ट्री, हु इज़ हु, और टूरिज्म, हॉस्पिटली, इंडियन एंड HP जुडिशरी, यानी कि भारत और हिमाचल के कानून के संबंधित जितने भी जनरल GK के क्वेश्चन बनते हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री से लेकर कि कौन कौन है, कौन था, इसमें आप करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे कि वर्तमान में कौन क्या है। ठीक है, जैसे वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, इस तरीके से आएगा आपका जनरल नॉलेज। तो नेक्स्ट प्रोसेस का बात क्या है, जैसे आपने स्क्रीन टेस्ट दिया उसके बाद आपसे जितने वहाँ पे होंगे तो उसमें रेशो लिया जाएगा 1:5, 1:5। ठीक है, तो इसमें टोटल कितनी पोस्टें होगी उसको मल्टीपल करेंगे 5 से, उतने स्टूडेंट्स यानी कि उतने कैंडिडेट को नेक्स्ट पेपर में बिठाया जाएगा, यानी कि रिटर्न टेस्ट में बिठाया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं रिटर्न टेस्ट के बारे में। रिटर्न टेस्ट कितने नंबर का आएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, तो टाइमिंग क्या रहेगी, टोटल इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कितने मार्क्स का होगा टोटल। ये 80 मार्क्स का होगा और इसमें 2 घंटे का पेपर होगा, टाइमिंग रहेगी 2 घंटे यानी कि 120 मिनट। देन नेक्स्ट इसमें सब्जेक्ट क्या आने वाले हैं, इसमें ए आएगा ऐसे इन इंग्लिश, एक ऐसे लिखने पड़ेगा आप इंग्लिश में, क्योंकि कितने का होगा, एक आपको सब्जेक्ट दिया जाएगा यानी कि एक टाइटल दिया जाएगा, उस बारे में आपको पूरा लिखना है 300 वर्ड में। ठीक है, और टोटल होगा 20 मार्क्स का। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है नेक्स्ट है इसमें ऐसे इन हिंदी। ऐसे ही हिंदी में हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐसे इन हिंदी, इसमें आपको ऐसे लिखना पड़ेगा हिंदी में, इसमें आपको टॉपिक दिया जाएगा और टोटल होगा 20 मार्क्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपके ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। इसमें आपको हिंदी का एक टॉपिक दिया जाएगा, उसमें आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, जो 10 मार्क्स का होगा। ठीक है,
कितने मार्क्स होगा आपके 10 मार्क्स का। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। इसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जो इंग्लिश में होगा सारा, ठीक है, वो एक ऐसे टाइप में होगा टॉपिक, ठीक है, तो इसमें आपको हिंदी में इसको ट्रांसलेट करना है, वो भी आपके कितने नंबर का होगा, वो भी आपके 10 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दी सब्जेक्ट। इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिसमें आपको क्या होगा 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आएंगे आपके, 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, किससे रिलेटेड, शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी कि एक एक नंबर के आ सकते हैं, दो दो नंबर के आ सकते हैं, तीन तीन नंबर के आ सकते हैं, ठीक है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ द रिटर्न एग्जामिनेशन हॉल, सॉरी एग्जामिनेशन शैल बी 45 आउट ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स। इसमें आपको क्या है 45%, यानी कि 45% आपको लाने ही होंगे, तब जाके आप नेक्स्ट स्टेप के लिए एलिजिबल हो। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग टेस्ट आपको पता ही है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसमें आपको टाइपिंग करनी होगी, जो कि कितना रहेगा स्पीड और किस मीडियम में रहेगा। तो फर्स्ट है स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है, ये आपके होगा इंग्लिश में, और हिंदी में आपको क्या करना होगा 25 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, इसमें आपका टाइमिंग रहेगा 10 मिनट, ठीक है। तो जो टोटल जो आपकी इसकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है इस पोस्ट की, यानी कि प्रोटोकॉल ऑफिसर की, इसमें आपका टोटल रहेगा जो लास्ट का आपका पेपर होगा, यानी कि टाइपिंग टेस्ट, उस बेस पे आपका ये टाइपिंग या रिटर्न बेस पे आपका मेरिट बनने वाली है, ठीक है। तो ये था पोस्ट प्रोटोकॉल ऑफिसर की। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, नेक्स्ट पोस्ट क्या रहेगी, नेक्स्ट पोस्ट है क्लर्क की। तो गाइस अभी तक हमने डिस्कस किया प्रोटोकॉल ऑफिसर पोस्ट के बारे में, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, नेक्स्ट पोस्ट है क्लर्क की, ठीक है। तो इसमें हम क्लर्क के बारे में जानेंगे, तो पूरा प्रोसेस क्या सब्जेक्ट रहेगा, कितने नंबर का पेपर आएगा, टाइमिंग क्या रहेगी। तो इसमें टाइमिंग रहने वाली है 2 घंटा, यानी कि 120 मिनट, ठीक है। 100 नंबर का आपका पेपर आएगा स्क्रीन टेस्ट में। स्क्रीन टेस्ट का सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा, जनरल नॉलेज सेम जैसे हमने पीछे डिस्कस किया सेम वैसे ही है, और मार्क्स भी सेम ही है, ठीक है। तो आपने नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लेना है या इसका स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ आपको पता ना लगे तो आपने कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है, ठीक है। तो सेम इसका प्रोसेस ऐसे ही रहने वाला है, जैसे ही पीछे भी उसमें बताया गया नोट 1 में कि जनरल नॉलेज में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या टॉपिक रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगा, इसमें भी सेम वैसा ही है। तो आपने एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से देख लेना है। तो नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, रिटर्न टेस्ट के बारे में, जो क्या है कि स्क्रीन टेस्ट को क्वालिफाई करता है, वह बैठेगा रिटर्न टेस्ट में। तो रिटर्न टेस्ट कितने नंबर का आएगा, 80 मार्क्स का आएगा, 2 घंटे का आपका क्या रहने वाला है टाइमिंग, ठीक है। तो इसमें ऐसे इन इंग्लिश 500 वर्ड, ऐसे इन हिंदी 500 वर्ड्स, 25 मार्क्स 25 मार्क्स, ठीक है। टोटल आपका जो रिटर्न टेस्ट होगा वो 80 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्या है, थर्ड है ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। इसमें आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, ये आपका कितने नंबर का होगा 15, ठीक है। तो नेक्स्ट है ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, इसमें आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, यो भी आपके सेम 15 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। तो अभी हमने जाना सब्जेक्ट, टाइमिंग और टोटल मार्क्स के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टाइपिंग टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो टाइपिंग टेस्ट में वही बैठेगा जिन्होंने स्क्रीन टेस्ट में कितने नंबर लिए हैं, स्क्रीन टेस्ट के बाद जो टेस्ट आता है रिटर्न टेस्ट, उसमें लिए 45, ठीक है, 45% नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट कितने नंबर का रहने वाला है दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट सेम वैसा ही है, इसमें 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, यह भी 10 नंबर का टाइपिंग टेस्ट रहेगा, 10 मिनट का रहेगा। तो
फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो आपकी बनेगी रिटन टेस्ट के बेस पे, ठीक है। तो ये था क्लर्क के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड पोस्ट और रहेगी जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट, यानी कि जे ओ ए की। जे ओ आईटी लेवल पे होगा ये, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। इसमें आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, टाइमिंग रहेगी 2 घंटा, यानी कि सेकंड टेस्ट में, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट रहेगा जनरल नॉलेज के, इंटरनेशनल 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, नेशनल के 15 नंबर का मार्क्स आएगा, ठीक है, हिमाचल जी के भी 15 नंबर के आएगा, ठीक है। तो टोटल आपका जनरल नॉलेज आएगा 50 नंबर, ठीक है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 30 नंबर का, ठीक है, और रीजनिंग आपके 20 नंबर का आएगा। ये था आपके स्क्रीन टेस्ट। इसमें भी सेम वैसे ही सब्जेक्ट रिलेटेड क्या क्या है, जियोग्राफी, कल्चर, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, हिस्ट्री, हुईज हो, वर्तमान में कौन क्या है, यानी कि करंट अफेयर्स रिलेटेड, इंडिया एंड HV, जुडिशियरी, करंट अफेयर, यानी कि कानून से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपने एक बारी पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें प्रोसेस क्या रहने वाला है, नेक्स्ट टेस्ट में रिटर्न प्रोसेस सेम वैसा ही जैसे पिछले पोस्ट में हमने देखा। इसमें 80 नंबर का पेपर है, तो टाइमिंग रहेगी 2 घंटा, यानी कि 120 मिनट। इसमें ऐसे इन इंग्लिश 300 वर्ड्स, मार्क्स 15, ऐसे इन हिंदी 300 वर्ड्स, मार्क्स 15, ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी 10 मार्क्स, ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश इसमें आपके 10 मार्क्स का होगा, कंप्यूटर में आपके 30 नंबर का, तो टोटल आपके रहेगा 80 मार्क्स का। तो इसमें आपको पास मार्किंग चाहिए 45%, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। तो नेक्स्ट प्रोसेस रहने वाला है जो उसको क्वालिफाई करता है वो टाइपिंग टेस्ट के लिए एलिजिबल होगा। इसमें सेम ही वैसा रहेगा, 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। तो टाइमिंग रहेगी आपके 10 मिनट, ठीक है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट इसमें भी सेम वैसे ही रिटन टेस्ट लेवल पे बनेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करते हैं जो है ड्राइवर की पोस्ट। ड्राइवर की पोस्ट के लिए स्क्रीन टेस्ट होगा, 100 नंबर का पेपर आएगा, 2 घंटे का टाइमिंग रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपका बहुत सारी चीज़ें, टॉपिक क्या क्या रहेगा, स्क्रीन टेस्ट कैसे होगा, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपको ऑटोमोबाइल का नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है, और ड्राइविंग से रिलेटेड जितने भी साइन है उन चीज़ों के बारे में, जितने भी टेक्नोलॉजी के पार्ट्स है, जनरल आपके मेंटेन इन व्हीकल, इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस लेवल ऑफ ट्रैफिक साइन, साइन के बारे में जानकारी, जितने भी साइन होते हैं रोड पे, ठीक है, रोल ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज गुड समेटन, इसमें आपको क्या है जो यातायात से संबंधित यानी कि ड्राइविंग से संबंधित आपको हर चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, यानी कि बेसिक नॉलेज। तो नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस सर्वर के बारे में। नेक्स्ट पोस्ट है प्रोसेस सर्विस। इसमें आपका स्क्रीन टेस्ट रहेगा, मार्क्स 50, टाइमिंग 1 घंटा। तो इसमें क्या सब्जेक्ट पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज, वो आएगा आपका 50 नंबर का। इसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग प्लस टू लेवल का आएगा, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एक मार्क्स इसमें क्वेश्चन होगा, ठीक है, जनरल साइंस भी होगा, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इज 50। तो इसमें भी रिटन टेस्ट होगा जिसमें आपका 40 नंबर, 1 घंटा, और ऐसे राइटिंग इन हिंदी 25 मार्क्स, ठीक है। टॉपिक में आपको 3 टॉपिक दिए जाएंगे, उसमें से एक टॉपिक में से आपको पैराग्राफ लिखना है। इसमें वर्ड्स रहेगा 250 वर्ड्स, ठीक है। एप्लीकेशन या लेटर इन इंग्लिश अबाउट 100 वर्ड्स, जो मार्क्स रहेगा 15, टोटल क्या रहेगा 40। तो रिटन टेस्ट आपके टोटल 40 नंबर का होगा। तो इसके बाद आपका शुरू है मूल्यांकन। मूल्यांकन में आपको क्या किया जाएगा, टोटल मूल्यांकन होगा आपके 10 नंबर का, एवोल्यूशन 10 नंबर का, 5 मार्क्स आपके दिए जाएंगे क्वालिफिकेशन से रिलेटेड एजुकेशन, और 5 आपको होगा एक्सपीरियंस, यानी कि आपने जॉब की है 1 साल 2 साल, ठीक है। तो प्लस टू आप करते हो तो 2 मार्क्स मिलेंगे आपको, प्लस टू से ज़्यादा पढ़े हो, ठीक है, सॉरी प्लस टू में आपके फर्स्ट डिवीजन हो तो आपको 3 मार्क्स, एनी बैचलर डिग्री या आपको ग्रेजुएशन है या अदर डिग्री है, MA हो किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी स्ट्रीम में, तो आपको इसमें 5 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो
नेक्स्ट क्या है, क्राइटेरिया की बात की जाए तो इसमें जॉब आप कहीं करते हो तो आपको एक ईयर का एक्सपीरियंस होना, मैं आपको एक नंबर, दो ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो दो नंबर, तीन साल का होगा तीन नंबर, चार का चार, पाँच ईयर का होगा तो पाँच नंबर, तो छः महीने का होगा तो आपको क्या है 0.5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो फाइनल मेरिट लिस्ट किस वजह से बनेगी, वो बनेगी आपकी रिटन टेस्ट लेवल पे, ठीक है। तो नेक्स्ट पोस्ट कोई नहीं है, तो इसमें हमने इन पांच पोस्टों के बारे में जाना। तो अब हम बात करेंगे इन इसके लिए साइट क्या रहेगी और आपने कैसे कैसे स्टेप में आपको इन फॉर्मों को भरना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, तो ये है हमारा प्रोसेस। इसमें फ़ीस क्या रहेगा, सबसे पहले फ़ीस की बात करते हैं। जनरल के लिए 340 रुपये, ठीक है, और अदर कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी है SC ST OBC, ठीक है, तो उनके लिए 190 रुपये, ठीक है, पर फॉर्म। तो पेमेंट का मोड रहेगा ऑनलाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं डेट्स के बारे में, किसकी स्टार्टिंग डेट कब से है। तो स्टार्टिंग डेट है 14/9/2022, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या रहेगा, स्टार्टिंग डेट फॉर्म का था 14/9/2022, लास्ट डेट क्या रहेगा फॉर्म फिलअप करने का 14/10/2022 11:59 PM तक, ठीक है। नेक्स्ट है एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट क्या रहेगा, मिनिमम 18 साल के आप होने चाहिए, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप 45 साल के होने चाहिए। एज रिसेप्शन क्या है, इसमें आपके अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा, ठीक है, एज रिलैक्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट है वैकेंसी डिटेल के बारे में बात करते हैं। प्रोटोकॉल ऑफिसर में आपको चार पोस्टें हैं और क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी डिग्री या डिप्लोमा या BA, MS, MSc जो भी हो, आपके MA हो BA हो, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। क्लर्क में आपको क्या है 169 पोस्टें हैं, 169, तो इसमें ग्रेजुएशन होना आपका ज़रूरी है। नेक्स्ट है मैं GO के बारे में बात किया था, इसमें आपका ITI या डिप्लोमा डिग्री PGDCA और इसमें आपके तीन पोस्ट हैं। प्रोसेस सर्वर में आपको पोस्ट दिया है 77 PN। नेक्स्ट करते हुए चौकीदार, इसमें आपके 94+2 और माली मैट्रिक, इसमें तीन पोस्ट हैं, और स्टेनोग्राफर में 90 पोस्ट हैं ग्रेजुएशन लेवल, ड्राइविंग में आपकी चार पोस्ट हैं और आपका मैट्रिक होना ज़रूरी है और इसमें आपके पास लाइसेंस चाहिए LMV, ठीक है। तो ये हमने जाना पोस्टों का पूरा प्रोसेस, लास्ट डेट कब से अप्लाई करना है और ऑनलाइन मोड क्या रहेगा और कितनी पोस्टें हैं, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। अब हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले हमने साइट पे जाना है हिमाचल प्रदेश कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका इस तरह का मेनू, एक शो होगा, उसमें आपके सबसे पहले जाना है मेनू में, जहाँ पे आपको इस तरह का लॉगिन करने को आएगा। आपकी यूज़र आईडी अगर बनी होगी तो इसमें आपने इस तरह के तरीके से आपने ईमेल डालना है, देन पासवर्ड। तो अगर नहीं बनी है तो आपने मेनू पे क्लिक करना है, वहाँ पे आपको इस तरह का आइकन शुरू होंगे, शो होंगे। तो इसमें आपको सेकंड पे जाना है, जो आपको रेड का दिखाई दे रहा है, कैंडिडेट रजिस्टर्ड हेयर, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसका क्लिक करने के बाद आपके पास शो होगा इस तरह का, ठीक है। सबसे पहले होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसमें आपका स्टेप वन में होगा, इसमें आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी होगी। देन आएगा आपके पास जब क्लिक करते हो स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में आपको एड्रेस डिटेल, अपना एड्रेस पूरा दे देना है कहाँ से हो, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में आपको क्वालिफिकेशन डिटेल, आपने कौन कौन सी डिग्रियाँ की है, कौन कौन सी आपका क्वालिफिकेशन है, कितना पढ़े हो, ठीक है, कितने नंबर है। तो नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में आपको क्लिक करने के बाद क्या होगा, जब नेक्स्ट करते हो तो आपको वर्क एक्सपीरियंस, ये आपने जॉब किया है तो उस बारे में डिटेल यहाँ पे पूछा जाएगा। स्टेप फाइव में आपको सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जिस रिलेटेड से आपको डिमांड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेप सिक्स, इसमें क्राइटेरिया डिटेल, इसमें किस हिसाब से आपका क्राइटेरिया रहने वाला है वो डिटेल आपने इसमें अपलोड करना है। तो स्टेप इसमें सेवन्थ रहेगा रिव्यू, इसमें आपका पूरे फॉर्म का रिव्यू आपके सामने खुल जाएगा। तो नेक्स्ट आपके सामने शो होने वाला है स्टेप सेवन रिव्यू, इसमें आपको पूरे फॉर्म का पोस्ट खुलने वाला है। तो दोस्तों ये हमने जाना हिमाचल प्रदेश कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश
हाई कोर्ट की भर्ती के हमने जाना इस वीडियो में। तो दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।